2023 के लिए जाने वाले आजमीनों के हज प्रशिक्षण एवं टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन मोमिनपुरा में महाराष्ट्र राज्य हज समिति मुंबई व सेंट्रल तंजीम कमेटी मोहम्मद अली सराय द्वारा रविवार को किया गया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सेंट्रल तंजीम के अध्यक्ष हाजी अब्दुल कदीर के नेतृत्व में सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर शाम के 5:30 बजे तक सम्पन्न हुआ, जहां विदर्भ से भारी संख्या में हज यात्रा के लिए जाने वाले आजमीन प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंचे। इस प्रशिक्षण में आजमीनों ने हज को इस यात्रा को आशा एवं सुलभ तरीके से संपन्न करने के लिए भारत सरकार तथा सऊदी सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं शर्तों के पालन का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आजमीनों ने हज को इस्लाम की परंपरा के अनुसार हज की जानकारी एवं प्रक्रिया के संबंध में भी विस्तार से बताया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा एक विशेष काउंटर भी लगाया गया है, जिसमें आजमीन हज को सऊदी रियाल विदेश यात्रा कार्ड उपलब्ध कराने के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट के आए हुए अधिकारियों ने आजमीनों को प्लेन में किस तरह यात्रा की जाए इसके बारे में प्रशिक्षित किया एवं CRPF व कस्टम अधिकारियों द्वारा भी इन आजमीनों को प्रशिक्षण दिया गया है। सारी चीज दिया है कि चप्पल में मोजे पहने ताकि वहाँ की जो मौसम में आपकी एड़िया ना फटे। सबसे पहले विदर्भ से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले सभी हुज्जाज इकराम का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और आज हज 2023 के सिलसिले में सेंट्रल तंजीम कमेटी मोहम्मद अली सराय मोमिनपुरा ने एक विदर्भ स्तरीय कैंप लिया है और उसके अंदर में दीन के अंदर में हज के अयाम में के बारे में उलमाए इकराम और उसके बाद में सेशन ख़त्म होने के बाद में एम्बिग्रेशन पॉइंट्स के लोग अपना CRPF के बैंक वाले और भी अपना कस्टमर के अधिकारी अपनी पूरी बात यहाँ पर रहने हाजियों को समझाएंगे। और ये हज का जो सिलसिला है हम 2003 से इस सेंट्रल तंजीम कमेटी के माध्यम से हाजियों को खिदमत देना ये सिलसिला अभी तक चालू है। जबकि लास्ट ईयर बॉम्बे से हाजी जा रहे थे उसके बाद में भी सेंट्रल तंजीम कमेटी ने यहाँ पर पूरे विदर्भ के हाजियों का एक कैंप लिया और कैंप अब ये हम सेंट्रल तंजीम कमेटी के सभी अहदेदारान और अराकीन के तरफ से प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल कदीर सभी का इस्तकबाल करता है। और हमारे यहाँ पे सभी जो कारकुन हैं जो अलग अलग संस्था के हैं जैसे दावत इस्लामी के और भी एक नहीं अपना अशरफी ग्रुप के और ये शहर के जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो हमको यहाँ पे इस तरबियत कैंप के अंदर में मदद करती है। NBC न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहन के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।